जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने शुक्रवार को कहा कि आतंकवादियों सहित शांति विरोधी तत्वों का सफाया करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है और शीर्ष लोगों को खदेड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये पेडल फॉर पीस कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजीपी ने कहा कि शांति के बगीचे में कई कांटे थे जिन्हें पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर हटा दिया है। साथ ही साथ कहा कि लगभग सभी शांति विरोधी तत्वों का सफाया कर दिया गया है और जो बचे हैं उन्हें जल्द ही हटा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह जयंती के अवसर पर शुक्रवार को जम्मू, सांबा, कठुआ, सुंदरबनी, रियासी, उधमपुर सहित विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहर जम्मू भर में विशाल रैली निकालकर जश्न मनाया गया। युवा राजपूत सभा, गाजेबाजे और हाथी घोड़ों के साथ वंदलाप से तवी पुल के पास स्थापित महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा तक शोभा यात्रा निकालती हुई नजर आई। इसमें सभी संगठनों ने उपस्थिति दर्ज करवाई तो वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेशवासियों को महाराजा हरि सिंह की जयंती पर शुभकामनाएं दी। युवा सेवा और खेल विभाग रामबन ने योग्य शिक्षा युवा सेवाओं और खेल यूटी जम्मू कश्मीर के संरक्षण के चलते जो है डीपीएल रामबन में क्रिकेट के अनुशासन में इंटर जोनल जिला स्तरीय एलजी रोलिंग ट्रॉफी का आयोजन किया। बता दें कि शुक्रवार को टूर्नामेंट का उद्घाटन डाइसू रामबन ने किया और इस आयोजन में सभी 6 जोनों की टीमों ने भाग लिया। नशा मुक्त भारत बैनर के तले DYSSO रामबन द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ शपथ समारोह भी आयोजित किया गया। एक सर्विसमैन सेल द्वारा रामगढ़ विधानसभा में सेवा पखवाड़ा के तहत शुक्रवार को एक कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री निर्मल सिंह, उसके साथ साथ ही अन्य मंत्री जो है नजर आए। इस अवसर पर वीर नारी और एक सर्विसमैन को सम्मानित किया गया और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में भी बताया गया और साथ ही साथ इस दौरान महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि भेंट कर उन्हें याद किया गया। विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहे जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियों को तेज देने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 अक्टूबर को प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2 रैलियां करेंगे। पहली रैली 1 अक्टूबर को जम्मू संभाग के राजौरी और दूसरी 2 अक्टूबर को उत्तरी कश्मीर में होगी। मौसम के मिजाज धीरे धीरे बदलने लगे हैं। बेशक दिन में उमस भरी गर्मी बेहाल कर रही है लेकिन सुबह पहले पहर से हल्की ठंडी हवा ठंड की दस्तक का एहसास देने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार अगले 23 घंटों में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। अगले 2 दिनों के दौरान छिटपुट हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। बीते कुछ दिनों में कनाडा में भारतीयों के खिलाफ नफरती अपराधों और हिंसा में तेजी से वृद्धि हुई है। हाल ही में एक भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला भी सामने आया था। इस बीच भारत सरकार की ओर से कनाडा में रह रहे भारतीय छात्रों एवं अन्य भारतीय नागरिकों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। उन्हें सतर्क रहने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किए जाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और तत्कालीन राज्य जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की चुनौती देने वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया गया था, जिसके बाद न्यायालय ने इस पर सहमति जताई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट दशहरे के बाद जो है सुनवाई करेगा।